देते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सब? तो गाइस आज हम फिर से कोई रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि है भाई दीवारा पार्ट वन का भाई ग्लिम्स आया है जूनियर एनटीआर भाई एनटीआर जीएस के अंदर। तो भाई मेरे को तो वैसे लुक ना वैसे 31 की तरह लग रहा है, जो इनका पोस्टर नहीं आया था एनटीआर 31 भाई, उसकी तरह पोस्टर लग रहा है। और इस मूवी के अंदर दीवारा के अंदर भाई म्यूजिक अनिरुद्ध का है, मजा आ जाएगा। ग्लिम्स आया पार्ट वन, जैसे उनका नहीं आ रहा था यार डंकी का पार्ट डंकी ड्रॉप वन, लेकिन ये पार्ट वन है, मतलब क्या पता इसके सीक्वल है, इस मूवी के सीक्वल हो, ट्रेलर के ग्लिम्स के ना हो, क्या कह सकते हैं भाई। अपन ने मूवी बनाई नहीं है, अपन इसके अंदर एक्टिंग करे नहीं है, तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं पता। तो मैं आप लोगों का वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का टाइम होता है बहुत ज्यादा कीमती। जो जो चैनल बनाए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मत भूलना। जब तक मैं डायरेक्ट लेकर के चलूंगा। अनिरुद्ध का म्यूजिक तो होना ही गजब है भाई, ऐसे भाई अलग भी ऐसा कितना प्यारा बना रहा। भाई सब बोट है ना, बहुत खतरनाक बना रहा था भाई। सी भाई हकीकत में यार सॉरी मेरे को रोकने के लिए एक मिनट की वीडियो, लेकिन सी यार देवेरा में भी सी है, एनटीआर 31 में भी सी मेरे है हिसाब से। कोई ये मतलब सी का मतलब वो वाला सी नहीं भाई, वो वाला सी नहीं, सी का समंदर भाई, समंदर समंदर उसमें भी समंदर का सीन है, इसमें भी समंदर का कहानी है। मतलब यार इसमें तो सी बहुत दिख रहा है। नहीं भाई लड़ो लुटेरों की कहानी लिख रहा भाई। क्या बात, इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। खंजर देखे शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। समंदर कहते हैं भाई, ओपी भाई, अन्ना इज ओपी भाई। मेरे को झूठ क्यों बोलूं, ग्लिम्स में मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, लूटपाट थोड़ी दिखा रहे थे कि समंदर के जहाज के फल लूट रहे, और पुराने टाइम का ही मेरे को लग रहा है, क्योंकि नाव वैसा ना पुराने टाइप के लग रहा था। और बाकी भाई समंदर की कहानी तो मतलब लुटेरों की कहानी होगी भाई, क्योंकि समंदर पे तो लुटेरों का ही राज होता है और कोई राज करता नहीं है भाई, और समंदर पे पूरी फिल्म है मेरे हिसाब से। आई थिंक नहीं, सीन एक ग्लिम्स के अंदर सिर्फ समंदर दिखाया, सी दिखाया, तो इसका मतलब नहीं कि पूरी मूवी में होगा बाकी, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि एंड में डायलॉग भी समंदर का ही था भाई, तो इसलिए हमें लगा स्टार्ट हो ना हो लेकिन एंडिंग जरूर समुंदर से खत्म होने वाली है। मेरे को तो ओपी लग रही है। और आजकल ना यार ये साउथ वाले ना यार डार्क टोन जो यूज कर रहे हैं हर एक मूवी में, ब्लैक कलर की हल्की शेड कभी नहीं, लेकिन अच्छी लगती है भाई, अच्छी लगती है, क्योंकि जो साउथ के हीरो है ना जितने भी, उन पर डार्क टोन ही अच्छी लगती है भाई, क्योंकि भाई देखने में लगते है ना भाई, समझ रहे हो आप, समझ ही सकते हो भाई। मेरे को ये भाई ग्लिम्स अच्छा लगा, ज्यादा कुछ दिखाया नहीं यार, लेकिन भाई जो भी था अच्छा था भाई, अच्छा था, जो भी चीज दिखाएगी अच्छा ना भाई। मूवी आ रही है हम लोगों के लिए आ रही है, और किसके लिए आ रही है, ग्लिम्स आ रहे हैं हमारे लोगों के लिए आ रही है, और किसके लिए आ रही है, तो जो भी था भाई अच्छा था, कमी किसी चीज की नहीं थी। आप लोगों को अगर किसी चीज की कमी लगी हो रिएक्शन या वीडियो में, तो भाई प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन सही लगा हो यार, ठीक ठाक सा नॉर्मली सा, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो, और लाइक का बटन पहले बोलता मैं, लाइक का बटन दबा दिया करो, लेकिन लाइक में बाद में बोलना हूँ, सब्सक्राइब पहले बोलना भाई, पहले लाइक कर देना फिर सब्सक्राइब कर देना, और साथ में फिर बेल आइकन का बटन दबा देना, उसके बाद कर देना। हाँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, गुड बाय।